तब तक मेरी बेटी को तो हजार लड़के भी रेप कर चुके होंगे, कब तक माँ झेलेगी? क्या रोज बेटी पैदा करेगी माँ? सरकार कब तक सोएंगे, कब तक खड़िया उठ पीकर सोते रहेंगे? क्यों नहीं अपना गेट खोल कर देखते कि बाहर मेरी बेटी को रेप हो रहा है? अगर ये रेप सरकार का ही बेटी को होता तो क्या उनको ये दर्द नहीं होता? मेरी बेटी 4 तारीख 2 बजे से गायब है, बहुत जगह गुहार हुआ सरकार के पास से लेकर थाना में उनका दरवाजा खटखटाया गया, डेली 2 बार सुबह शाम थाना जा रही है, कुछ खोज खबर नहीं है। थाना वाले 2 घंटा का टाइम मांगते हैं, 2 दिन का टाइम मांगते हैं, कब तक? तब तक मेरी बेटी को तो हजार लड़के भी रेप कर चुके होंगे, कब तक इस तरह होना चाहिए? सरकार कब तक सोएंगे, कब तक खड़िया उठ पीकर सोते रहेंगे, कब जगेंगे? क्यों नहीं अपना गेट खोल कर देखते कि बाहर मेरी बेटी को रेप हो रहा है? अगर ये रेप सरकार का ही बेटी को होता तो क्या उनको ये दर्द नहीं होता? एक बार सरकार क्यों नहीं सोचते है? वो बेटी मेरी भी थी, एक बेटी एक माँ का औलाद नहीं होता, पूरा झारखंड की एक बेटी ही सबका बच्चा होती है। माँ तो कहते कि मेरी बेटी पढ़ाई करने जा रही है, पता चलता है मेरी बेटी का लाश घर में आ रहा है, कब तक माँ झेलेगी? क्या रोज बेटी पैदा करेगी माँ? सरकार बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों सरकार ये सवाल करते हम लोग के साथ? क्यों ऐसे ऐसे हम लोग के साथ करते हैं कि हम बेटी को क्यों बेटी को हम पैदा करें? जब मारना जब घर में हम कहते हैं कि मेरा बेटी को घर में से ही हटा दिया जाए तो सरकार कहते तुमको सजा मिलेगा, अगर रोड में आवाज उठाते हैं तो जेल का हवा खाना पड़ेगा। कब तक हम अपना बेटी का दर्द सहते रहेंगे? आग बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि बेटी हमारी है, हम उसे पैदा किए हैं, 9 महीना पेट में उसको रखते हैं, हम लोग गोद में सीना में पाल के उसको गोद से जवान करते हैं। तब तक मेरा सरकार तो शेर पाल रखा है ना, गुंडा पाल रखा है। कंधे से सरकार तो चाहता है कि मेरा जितना गुंडा ना हमारी बच्चों को खा जाए, वो तो शेर पाल के रखे। क्यों सरकार आवाज उठाएंगे, क्यों जगेंगे हमारे सरकार? हमारे सरकार नहीं जगेंगे, उनका कुत्ता पालतू कुत्ता कब काम आएगा? हमारी बेटी को तो खाने के लिए कुत्ता पाल रखे है। अन्यथा मेरा नाम रूपा देवी है, हम चाहते हैं कि ये आवाज सरकार तक पहुंचना चाहिए, उनको हड़िया पीकर सोना नहीं चाहिए, अब उनको जगना चाहिए। हमारी बेटी को लगातार रेप हो रहा है, ये रेप नहीं होना चाहिए, रेप करने के लिए रुकवाइए, हमारे सरकार को आवाज पहुंचना चाहिए। जब आवाज देते हैं तो सरकार कहते हैं मेरा नींद आराम हो रहा है, उनको नींद आराम करना होगा, उनको जगना होगा, अपना गेट का दरवाजा खोलना होगा, उन्हीं की बेटी को रेप हो रहा है उनका गेट के सामने, उनको खेल को खोल के देखना होगा, बस इतना ही करना चाहते हैं। मेरा नाम ये हमारी बेटी 4 तारीख से गायब हुई है, 4 तारीख से गायब हुई है, अभी तक उसका पता नहीं चला। सुखदेव नगर थाना में हम लोग दिए हुए हैं, मगर उसको कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। SP यहाँ भी लिखा करके हम लोग दिए हुए कागज, बोला कि धीरे धीरे काम होगा, एक बार एक काम थोड़ी होता है। हाँ, थाना में जो है इंचार्ज है वो बोली थी कि हम जा रहे बर्थडे में, नहीं दिन में, हाँ वापस नहीं आए उसको, जो ये बताई नहीं थी। और प्लस क्या है, हाँ बोली हमको बर्थडे में जाना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सोचे कि वो आने जाने का उसको साधन देती कि आता था जाती थी, हम लोग सोचे कि ठीक है वो आएगी अपनी चल जाएगी। फिर हम लोग एक दिन जो है हम लोग देखे कि नहीं आई, रात हो गया होगा, हम लोग के नहीं आई होगी, फिर हम लोग छोड़ दिए। फिर हम दिन में देखे कि दिन में भी नहीं आई, तो हम लोग बोले कि नहीं आई होगी तो सहेली वाली साथ होगी। दूसरा दिन फिर हमको ये लगने लगा, तो उसके बाद हम लोग छोड़ना चालू किए। आयोग का निर्माण किया गया है, क्या आप गए थे? हम लोग गए हुए, कोतवाली थाना भी गए हुए थे, महिला आयोग पे महिला थाना नहीं गए थे। CM के पास गए हम, यहाँ CM के पास गए, यहाँ गए थे कचहरी में गए थे, DSP के पास। किस दोस्त के पास गए थे? वो हमको नहीं पता है, नहीं वो एक बता रही थी कि क्या, तो नाम बता रही थी उसको, मेरी वाइफ को मालूम है। दोस्त लोग तो हमको बताए थे, मगर वो दोस्त लोग बोले कि हमको 4 दिन से जो है, हम लोग 2-3 महीना से हमको कोई कांटेक्ट नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरी बेटी वापस आए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।